गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी, इस टाइम सुबह के बजे हैं 7 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और मौसम जो है आज फिर बारिश वाला हो रहा है और मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नेबर्स का कुत्ता है, वो बार बार भौंक रहा है, बस मैं उसे थोड़ा देख रही हूँ। वो ना बोले तो मुझे बोलने दे थोड़ी देर, फिर बोलता रहे, वो क्या दिक्कत है। तो जी बस फटाफट अब चलते हैं नीचे और देखते हैं नाश्ते का क्या सीन है। चलिए। तो जी सुबह सुबह मेरा बेबी अच्छे मिल रहा है, जैसे पता नहीं कब से नहीं मिला। मेरा बाबू का मुंह देख लो आप, है जानू क्या हो गया मेरे बच्चे को। बस जी इसका प्यार है तो मिलता है, ये सबसे अच्छे ही मिलता है। ये जो उठेगा सबको ऐसे ही वेलकम करेगा, ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलेगा। मेरा बच्चा वर्ल्ड में सबसे प्यारा है, है ना जानू। तो जी बस आज ओट्स लेके जा रही हूँ मैं, आज ओट्स बनाए हैं और जानू मेरा आ गया मेरे पास। ये तो दीदी को छोड़ता ही नहीं है, और अगर व्लॉग बन रहा हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। इसको भी है, मैं अपनी फुटेज पूरी ले लूँ। तो जानू और जी ओट्स मेरे बन गए हैं, तो बस पैक करने हैं और लेके चलना है। ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ, तो बस फटाफट पैक करते हैं और लेके चलते हैं। हाथ धो लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी ओट्स बन गए, यम्मी यम्मी ओट्स। आओ जी दिखाऊं आपको मेरे ओट्स। लंच रेडी हो गया है ओट्स, तो बस अब इसे लेते हैं और फटाफट चलते हैं। तो जी अपना लंच तैयार हो गया है, तो जी फटाफट चलते हैं और देखते हैं रास्ते में बात हो पाती है नहीं हो पाती है। तो चलिए। तो जी गाड़ी में बैठ गए हैं और हल्की हल्की कणियाँ जो हैं बारिश की वो लग गई हैं। फटाफट अब चलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं। अभी तो घर के बाहर हूँ, ये ना हो ना बारिश आ जाए और ज़्यादा दिक्कत। तो जी आप देख सकते हो मौसम जो है आज भी बहुत अच्छे वाला है। हल्की हल्की बौछारें लगी हुई हैं और ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। तो अच्छा मौसम है तो मूड भी अच्छा है और यही कोशिश है कि दिन भी अच्छा जाएगा। बस अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। बारिश जो है वो रुक गई है, बस यही है कि बारिश ना हो और जो है हम आराम से पहुंच जाए। और मैं तो अपना थोड़ी जल्दी आ गई हूँ मैं, ताकि इसीलिए बारिश वारिश आए तो दिक्कत ना आए। तो बस जी हम तो पहुंच जाएंगे फटाफट। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर लाइफ में मुझे चॉइस मिले ना कहीं रहने के लिए, तो मैं ऐसी जगह ही रहना चाहूँगी जहाँ पे बारिश होती हो, डेली बारिश हो और अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बारिश अच्छी लगती है, बट जैसे उस दिन मम्मी बता रही थी ना कि हमारे घर में बड़ी दिक्कत हो गई थी पुराने घर में, कि सारा जो पानी होता था बारिश का वो घर में इकट्ठा हो जाता था। तो उस टाइम लगता था थोड़ा कि बारिश ना हो, बाकी अभी के लिए तो ये है कि बारिश होती है तो अच्छा ही लगता है। जैसे कल रोड पर पानी भरा हुआ था ना, मेरे पास तो इतनी मतलब मेरी मेमोरीज है ना जो मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो जैसे कल रोड पे पानी भरा हुआ था, गाड़ी रुक गई है, आराम से चलाना है। तो जी जैसे कल रोड पे पानी भरा हुआ था तो स्टार्टिंग में इतना नहीं समझ में आता था, तो एक बार ऐसे ही पानी भरा हुआ था और मैंने पानी में गाड़ी डाल दी। उस टाइम मेरे पास ऑल्टो थी, तो वो गाड़ी मैंने पानी में डाल दी और ऑब्वियस था वो पानी में जाके बंद हो गई। अब जी पानी के अंदर ही हमारी मतलब गाड़ी के अंदर पानी आ गया, पैरों में, चारों तरफ अंदर पानी पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो बस फिर उतरे, खुद ही धक्के लगाए, कोई हेल्प को भी नहीं आया मेरी तो उस टाइम। और हम 3-4 लड़कियां थी उस टाइम गाड़ी में, तो सब ने निकल के धक्के लगाए, कहीं साइड में गाड़ी रोकी। उसके बाद जब वहीं छोड़ दी फिर गाड़ी, फिर शाम को पानी उतरा और उसके बाद वो स्टार्ट हुई और फिर उसको लेके आए। एक बारी और ऐसे ही हुआ था, पानी में से तो मैंने निकाल ली गाड़ी, घर लाके खड़ी कर दी, अगले दिन वो स्टार्ट ही नहीं। तो जी फिर समझ में आया, या पूछा भी भाई सबसे, फिर सबने यही बताया कि अगर ऐसे पानी में से गाड़ी लाओ तो थोड़ी देर इंजन को स्टार्ट रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे तो ये ब्लॉग देख देख के आधे लोग तो ऐसे ही ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि मेरी गलतियों से सीख लोगे आप लोग और अच्छी भी बात है। तो जी बस आप थोड़ा थोड़ा ट्रेंड हो गए हैं, अभी भी इतना तो परफेक्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ ट्रेंड कुछ तो हो ही गई हूँ। तो बाकी हो जाएंगे, सीख जाएंगे, लाइफ है, सीखते रहेंगे। बारिश है, फोग है, सब में बड़ा अलग अलग। स्टार्टिंग में जब फोग पड़ी और मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई, तो मैं क्या करती थी, किसी साइकिल वाले के, रिक्शे वाले के, इसके पीछे पीछे गाड़ी चलाती थी बड़ी धीरे धीरे, क्योंकि दिखता नहीं था इतना। और रात को तो मैं अभी तक नहीं चला पाती, मुझे वो आँखों में एकदम से लाइट पड़ती है तो मुझे नहीं दिखता। तो
रात को तो मैं कोशिश करती हूँ ना चलाऊँ, तो बाकी बस यही है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है जिनसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर हम ट्रेंड हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हो रहे हैं, जो रह गया होगा, जो कसर रह जाएगी वो और पूरी हो जाएगी। तो बस चलाइए गाड़ी और इन्जॉय करिए। भाई और बहनों, मौसम हो रहा है कितना बढ़िया, आपको दिख रहा होगा, और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में भी। तो जी, दिन के बज चुके हैं 3 और धूप निकली हुई है, आज तो खैर बारिश नहीं है, तो बस चलते हैं। आज मुझे थोड़ा मार्केट में काम है, सब्जी वगैरह खरीदनी है, तो बस अब आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी, रास्ते में प्याज भी दिख गया, तो मैंने कहा भैया से प्याज ले लेते हैं। कितने का लगाया भैया? 120 का। 120 का कितना? 5 किलो। अब मैं ले तो रही हूँ प्याज, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये भैया जो है प्याज सस्ता दे रहे हैं महंगा दे रहे हैं, लेकिन हाँ भैया कह रहे हैं सस्ता दे रहे हैं। चलो पता चलेगा, कमेंट में बता देना प्याज का क्या रेट चल रहा है। भैया ने तो 120 का 5 किलो दिया है ना, 24 रुपए किलो। 24 रुपए किलो, सही है ना प्याज एकदम? इतने लोग देख रहे हैं आपको, प्याज सही दे रहे हो ना? सही है, दे रहे हैं। प्याज ले लिया 5 किलो, अब घर जाके पता चलेगा, मम्मी बताएगी घर में है या नहीं है, वैसे ख़राब तो नहीं होता, और प्याज सही है नहीं सही है ये भी नहीं पता। तो आप देख सकते हो रोड है ये, और धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा ही है इस टाइम। तो जी चलो, अब बाकी कुछ सब्जियां लेनी है वो देखती हूँ। तो ये सब्जियां सारी 1 किलो घिया, और भैया बीन्स ये वाली, ये वाली ये कैसे दी है? 25 का 20 का पाव आता है, तुम 25 लगा रहे हो? अरे बाप रे, सब चीज़ें इतनी महंगी हो रही है। और अदरक, अदरक 30 का पाव। उनके रेट इतने हाई करे हुए हैं ना आज के टाइम पे, हद से ज़्यादा। ये हो गई है तैयार, पता नहीं भैया का फेस दिख रहा है, दिख रहा है। लाओ भैया सब्जियाँ, हो गई उठाई नहीं जा रही। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, फटाफट चलते हैं। तो दो जगह हमने रुक के ले लिया सामान, गली में आजकल बारिश हो रही है तो सब्जी वाला कोई आ नहीं रहा, तो लेनी जरूरी थी। जानू प्यार ना करा ले, 4 बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो बस इस टाइम बज गए हैं 3:30, और मैं आ गई घर सारा अपना काम करके, मुँह हाथ धोऊंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर जी। अब आप देख सकते हैं इस टाइम शाम के बज चुके हैं 6, और अब जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, पहले इतना नहीं होता था लेकिन। और जी जानू मेरे पास आ गया है, जानू तो गुड़गुड़ कर रहा है, जानू का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए किसी को काटा नहीं है, ये देखो काटा नहीं है, काट ले किसी को, है ना जानू? जानू कह रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है ना जानू? चलो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं बाकी घर वाले भी सारे क्या कर रहे हैं। मम्मी अपना शाम को जो काम होता है मम्मी का, मम्मी अपना फ्रूट काटने में लगी हुई है, और ये बैठा जानू मम्मी को निहार रहा है। आरू को देख लो जी, आरू अपना मस्ती के मूड में है, पूरी मस्ती कर रहा है आरू। क्या कर रहे हो आरू बेबी? टीवी देख रहा था। कुछ और भी कर लिया करो कभी टीवी के अलावा? अभी पढ़ के, अभी अभी छुट्टी मिल गई। अच्छा, पढ़ के छुट्टी मिली है, चलो ठीक है। ओके, शाम के बज चुके हैं 6:30, और जो मैं आज बना रही हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ कि आज मैं खाने के लिए क्या बना रही हूँ। देखिए मेरे पास है लहसुन, टमाटर, प्याज, और ये हरी मिर्चें, इसमें 2-3 डंडी भी रह गई है, और साथ में इसके लिए मुझे जिसकी ज़रूरत होगी वो है ये मामदस्ता। गैस ऑन कर दी है मैंने, ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें डालती हूँ अपने, बस इसको करता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्चें, बस 1 मिनट तक उसको चला रही है, खिड़की खोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा मिर्चे की धसक चढ़ गई है। ये बेसिकली एक महाराष्ट्रियन डिश है, तो खाने के साथ जिनको तीखा पसंद है तो ये चटनी की तरह काम करती है, तो बस इसे बना लो और आप 10 दिन तक खा सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। तो मुझे तो धसक चढ़ रही है, मुझे तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए जो है मैं इसको बनाती हूँ और खाने के साथ ज़रूर लेती हूँ। आपको अगर अच्छा लगेगा ये बनाने का तरीका और ये डिश, तो आप अपना बना सकते सकते हो। अब ये जो मेरी मिर्च और ये जो गार्लिक है, ये मेरा सोते हो गया है,
अब हम इसको जो है मामदस्ते में डालेंगे और इसको थोड़ा सा कूटेंगे। जी आप देख सकते हो ये मैंने मामदस्ते में डाल दिया है, बस अब इसको थोड़ा सा कूटती हूँ और कूटते हुए थोड़ा थोड़ा आप इसमें जितना आपको नमक चाहिए वो भी साथ में डाल लो। बस अब इसको आप अच्छे से कूट लो, जितना आपने दरदरा रखना है, जितना बारीक रखना है वो आपके ऊपर है। ये कूटने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, फिर इसे मैं निकाल रही हूँ साइड में। तो ये मैंने दूसरा ले लिया, थोड़ा सा नमक इसमें भी डालूँगी और इसे भी कूट लेते हैं। कुछ ऐसा लगेगा, बस अब इसमें तड़का लगेगा और फिर ये रेडी हो जाएगा। गैस पे जो है मैंने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल मेरा गर्म हो गया। तो बस ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया, बस ज़्यादा प्याज नहीं करना, हल्का हल्का, बस एक मिनट हम इसको गैस पे चलाएंगे। प्याज होते ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, अब इनको दो मिनट तक हम बहुत नमक मेरे हरा धनिया सूखा वाला जो आपको डालना है मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, बहुत तीखा बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये बनाती रहती हूँ घर में। तो जी अब ये ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया। तो जी आप देख सकते हो मेरा हरी मिर्च का ठेचा, ये महाराष्ट्रियन डिश है, ये बनके रेडी हो गया है। बट जो रियलिटी में कलर दिखता है ना और जो इसमें वीडियो में आ रहा है वो उतना नहीं है, बट सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। आज के लिए बस इतना ही था और देखो कितना अंधेरा हो गया है बाहर। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और हो सके तो मेरे चैनल कूल चिपर को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।